बीजेपी ने एज अ पार्टी ने और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफ़रत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नज़र आता है, इनको नज़र आता है कि या तो वो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है, या तीसरा इनको नज़र आता है कि ये एंटी नेशनल है। तो इस तरह का एक माइंडसेट इन्होंने क्रिएट करने में लोग कामयाब हो चुके हैं। तो अब ये वाक़यात रुकने वाले नहीं है। अब ये बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप इन लोगों को रोकिए, मगर हमेशा जवाब आता कि नहीं, मुसलमानों को डीरेडिकलाइज करना है। अरे भाई, ये जो लोग हैं इनको डीरेडिकलाइज कौन करेगा? जो जिस किसी मुसलमान को देखते हैं और उससे कहते हैं कि इस तरह का स्लोगन लगाओ, इस तरह का नारा लगाओ, और फिर पीटते हैं, वीडियो निकालते हैं। 2014 से 19 तक इतने वाक़यात हुए, अब फिर शुरू हो गए और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सरकार है बीजेपी की, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाए। वो उस ड्यूटी को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और एक एग्जांपल दिया जाता है, इसको जस्टिफाई कहते हैं, नहीं वो स्मगलर था, वो चोर था। भाई, मान भी ले, चलिए था, किसको किसने इख्तियार दिया आपको किसी की जान लेने का?